तो दोस्तों, मैं हूँ संतोष निगम और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो के यहाँ पे शुरुआत करेंगे कल जो भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों, आज मार्केट ओपन होने से पहले ही पहली चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गैप अप, एक अप ट्रेंड जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही बड़ा गैप अप जो है वो आज हम लोग को देखने को मिला था लगभग 356 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में। मैंने ऑलरेडी BTST जो है वो शेयर करके रखी हुई थी CE साइड के लिए, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया था। और मार्केट ओपनिंग से पहले ही प्री मार्केट का जो मेरा वॉल्यूम एनालिसिस मैं शेयर करता हूँ, उसमें मैंने आप लोग के साथ में क्लियर कहा था कि मार्केट यहाँ से गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। गैप अप हुआ है, फिर भी यहाँ से मार्केट गिर सकता है, जो मार्केट ओपनिंग से पहले ही आप लोग के साथ में मैंने डिस्कस किया था। साथ में यहाँ पे जो PE साइड का ट्रेड था वो भी आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ था हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी, जिसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। ओवरऑल जिस हिसाब से हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया हुआ था मार्केट ओपनिंग से पहले कि मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है, आज हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव ट्रेंड जो है वो देखने को मिला था। साथ में निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा खासा नेगेटिव ट्रेंड जो है वो आज हम लोगों को देखने को मिला था हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से। हालांकि हम लोगों ने कल ये भी प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन वो बुलिश ट्रेंड की जो हम लोग बात कर रहे थे लगभग बैंक निफ्टी में 100-125 पॉइंट्स का मूव, वो पूरा का पूरा हम लोगों को गैप अप ओपनिंग के साथ में दिखाई दिया और उसके बाद में शार्प फॉल जो है ये दिखाई दिया। और ये शार्प फॉल हो सकता है, ये हम लोगों ने प्री मार्केट के वॉल्यूम एनालिसिस पे ऑलरेडी मार्केट खुलने से पहले ही पता कर लिया था कि आज मार्केट जो है यहाँ पे गिर सकता है। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला व्यू नहीं देखा है तो जाकर के चेक कर लीजिए। ओवरऑल दोस्तों, इन लेवल्स के साथ में हमारी 99% की एक्यूरेसी बरकरार है। मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखने की। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक देकर के रखा हुआ है, जहाँ पर आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। और एक चीज़ गाइस, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी, तो एक बार यूट्यूब को स्क्रॉल करके देख लीजिए और टेलीग्राम को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और अगर से यहाँ पे प्रेडिक्शन के बारे में हम लोग बात करने जाएं तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन के जो है वो आकर के खड़े हैं। जिस टाइप का यहाँ पे एंड ऑफ द डे इसमें वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, इसके एवरेज डे वॉल्यूम से अच्छा वॉल्यूम, उस हिसाब से हम लोगों को कल मार्केट में ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन मिलने के और नेगेटिव ट्रेंड बने रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हमें लग रहे हैं। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिल जाती है तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ भी बन जाती है, जो कि मैं टेलीग्राम पे आप लोग के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। कल बहुत ज़्यादा गैप डाउन आएगा या फिर बहुत ज़्यादा गैप अप आएगा, इस टाइप के मार्केट कंडीशंस में बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन जिस टाइप का वॉल्यूम हम लोगों को दिख रहा है इस हिसाब से तो कल एक अच्छा खासा गैप डाउन जो है वो मार्केट में एक्सपेक्टेड है। 19,100 के नीचे निफ्टी यहाँ पे वीक रहेगी। 19,064, 19,012, 18,958 और 18,906 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 19,147 के ऊपर निफ्टी बुलिश रहेगी। 19,202, 19,257, 19,318 और 19,384 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे, क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का
अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सेलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइज, इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट चार्ट्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर से दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी एंड ऑफ द डे एवरेज वॉल्यूम से अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और ऑब्वियसली चीज़ है ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी, अगर ब्रेकडाउन नहीं जाता है कल मार्केट ओपनिंग के बाद में अगर हम लोग को कोई भी इसमें बाइंग का वॉल्यूम आ जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट होने के भी चांसेस मुझे जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। 42,800 के नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक रहेगी, 42,701, 42,583, 42,464 और 42,328 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 42,930 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश रहेगी, 43,121, 43,353, 43,575 और 43,868 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रिडिक्शन के साथ में, साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए कल के दिन का मेरा मार्केट का प्रिडिक्शन। अगर से दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।